इंग्लैंड जो कि कोरोना वायरस की मार का वड्डे पद्धर से सामना कर रहा है, इस समय राष्ट्रीय तालाबंदी दी पाबंदियों का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति वेखदे हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड के कौमी तालाबंदी 8 मार्च तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने इस गल की पुष्टि करदे जानकारी दी कि इस दौरान सारे गैर जरूरी कारोबार और स्कूल बंद रहने के नाल ही पब और रेस्टोरेंट भी इन पाबंदियों के अधीन बंद रहेंगे, जबकि सरकार द्वारा 22 फरवरी तो शुरू होने वाले हफ्ते में तालाबंदी तो बाहर आने लई पड़ा ते योजनावां तय करेगी। जॉनसन अनुसार 4 जनवरी तो शुरू ही मौजूदा तालाबंदी ने आर नंबर की दर घटाया है, पर अजे भी कोरोना मरीजों का हस्पतालों में दाखिला जारी है, जो कि अंकड़े के अनुसार 37,000 तो बढ़ चुका है। हस्पताल में दाखिल मरीजों की यह गिनती वायरस की पहली लहर की सिखर तो तकरीबन दुगनी है, इसलिए लोगों की सुरक्षा से सेहत विभाग की चंगी कार्यकारी लिए फिलहाल तालाबंदी जरूरी है। प्रधानमंत्री अनुसार फरवरी के अंत तक वायरस की समुची तस्वीर साफ हो जानी चाहिए है और तालाबंदी खत्म होने तो बाद स्कूलों को पहला खोलिया जाएगा और उस तो बाद होर सारिया आर्थिक और समाजिक पाबंदियां एक एक करके हटाई जाएंगी। इसके अलावा वायरस प्रभावित रैड जोन खेत्र तो यूके आने वाले यात्रियों सीधे तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की रिहायश जिमें कि होटल 10 दिन के एकांतवास लिए तब्दील किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज गम टीवी। इंग्लैंड जो कि कोरोना वायरस की मार का वड्डे पद्धर से सामना कर रहा है, इस समय राष्ट्रीय तालाबंदी दी पाबंदियों का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति वेखदे हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड के कौमी तालाबंदी 8 मार्च तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने इस गल की पुष्टि करदे जानकारी दी कि इस दौरान सारे गैर जरूरी कारोबार और स्कूल बंद रहने के नाल ही पब और रेस्टोरेंट भी इन पाबंदियों के अधीन बंद रहेंगे, जबकि सरकार द्वारा 22 फरवरी तो शुरू होने वाले हफ्ते में तालाबंदी तो बाहर आने लई पड़ा ते योजनावां तय करेगी। जॉनसन अनुसार 4 जनवरी तो शुरू ही मौजूदा तालाबंदी ने आर नंबर की दर घटाया है, पर अजे भी कोरोना मरीजों का हस्पतालों में दाखिला जारी है, जो कि अंकड़े के अनुसार 37,000 तो बढ़ चुका है। हस्पताल में दाखिल मरीजों की यह गिनती वायरस की पहली लहर की सिखर तो तकरीबन दुगनी है, इसलिए लोगों की सुरक्षा से सेहत विभाग की चंगी कार्यकारी लिए फिलहाल तालाबंदी जरूरी है। प्रधानमंत्री अनुसार फरवरी के अंत तक वायरस की समुची तस्वीर साफ हो जानी चाहिए है और तालाबंदी खत्म होने तो बाद स्कूलों को पहला खोलिया जाएगा और उस तो बाद होर सारिया आर्थिक और समाजिक पाबंदियां एक एक करके हटाई जाएंगी। इसके अलावा वायरस प्रभावित रैड जोन खेत्र तो यूके आने वाले यात्रियों सीधे तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की रिहायश जिमें कि होटल 10 दिन के एकांतवास लिए तब्दील किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज गम टीवी।